वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो गाइस आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वीडियो काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल इसको कोई स्किप नहीं करिएगा। अगर आपने हमारे कुछ लास्ट फाइलम के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो जाके हमारे चैनल पर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्सों के साथ उसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके जो कॉमन नेम है हम इसको ज्वाइंट लेग्स वाले एनिमल्स भी बोलते हैं, मतलब कि ज्वाइंट लेग्स भी इसका कॉमन नेम दे सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आर्थ्रोपोडा में बात करते हैं कि किस तरीके का इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, किस तरीके का इसका बॉडी सेगमेंट्स है और किस तरीके के एनिमल इसमें इंक्लूड होते हैं, क्या उनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, हम इस वीडियो में पूरा उन सबके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं गाइस आर्थ्रोपोडा। दिस फाइलम इंक्लूड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। ठीक है, एज वी नो अबाउट दैट कि आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है। ठीक है, इसमें हमारे काफी लार्जेस्ट वैरायटी में यानी कि लार्जेस्ट ग्रुप में आपके सारी एनिमल जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, दिस फाइलम इज अ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, मतलब कि इस ग्रुप में, इस फाइलम में आपके काफी अधिक मात्रा में, भारी से भारी मात्रा, मतलब कि लार्जेस्ट ग्रुप, काफी बड़े मात्रा में इसमें एनिमल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ज्वाइंट लेग्स की जो हमने बात करी, ज्वाइंट लेग्स का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा, कि ज्वाइंट लेग्स क्यों बोला है, मतलब इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो आपके ज्वाइंट लेग्स, मतलब कि काफी आपस में जुड़े हुए लेग्स जो होते हैं, जैसे आप स्पाइडर की अगर बात करते हैं या आप बी की बात करते हैं या फिर आप हाउस फ्लाई की अगर बात कर लेते हैं, तो उनके जो लेग्स हैं आप देखते हैं ऑलमोस्ट जो आमने सामने वाले पैर हैं वो आपके एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या बोला है, वो ज्वाइंटेड लेग्स वाले आपके एनिमल। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, और उसमें भी आप लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी वैरायटी होती है, हनी बी, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, तो ये सब कैसी हमारी फ्लाइज है, लेकिन ये सब इंसेक्ट्स मारने वाले के बाद भी इनमें जो इनकी जो वैरायटी स्पीशीज है वो काफ़ी सारी अलग अलग एनिमल्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स व्हाई वी कैन से लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इसलिए हम आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल भी बोलते हैं। ठीक, अगर इसकी सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो दीज एनिमल आर बायलैटरल, सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपने एनिलीड्स में कि उनको हम सेगमेंटेड वॉर्म बोलते हैं, तो उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि उनको सेगमेंटेड वॉर्म्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसमें जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आपका सेगमेंट फॉर्म होता है। सेगमेंट मतलब कि पोर्शन वाइज डिवाइड होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, यह आपका अगर ये सेगमेंट्स है, सपोज ये किसी क्या नाम है, किसी एनिमल है, किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये आपका सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। ठीक है, जस्ट लाइक ये, तो ये आपके जो सेगमेंट्स है ये इसी पोर्शन में ये आपका बटा हुआ होता है, तो इसीलिए हम इसको, इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड, इसलिए इसको सेगमेंटेड भी बोलते हैं। तो ये क्या था, हमारे सेगमेंट्स फॉर्म होती है, तो इसलिए क्या होता है, एक दो तीन चार, तो जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वन बाय वन आपस में सेगमेंटेड फॉर्म में डिवाइड होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की, तो देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। गाइस अगर इसके हमने बात कर दी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो मतलब जो इनके जो बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, ओपन होता है। ठीक है, एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, मतलब कि जो इनके जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका ओपन होता है, जिस वजह से द ब्लड डज नॉट फ्लो इन अ वेल ब्लड वेसल्स, मतलब कि इनका जो ब्लड सर्कुलेशन कैसा था, ओपन, इसी कारणवश, इसी वजह से इसका जो ब्लड है वो आपका ब्लड वेसल्स में इतना अधिक मात्रा में या फिर इतना अच्छे से फ्लो नहीं होता। अगर हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो हमारा कैसा होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड वेसल्स होती है काफ़ी हमारी प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी इजीली डिफाइंड होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनके ब्लड वेसल्स की हमने बात करी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो आपका क्लोज होता है, हमारे में ओपन होता है, इस वजह से क्या होता है, उनका तो इतना प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो इनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है, आपका ओपन। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, अगर कैविटी की बात कर लेते हैं, तो सिलोमेटिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड कॉल्ड हीमोसियोल। ठीक है, तो इस कैविटी में आपको क्या होता है, एक तो कैविटी की अगर बात करें तो कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा उसकी बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या भरा होता है, हमारे कैविटी में वो ब्लड से भरी हुई होती है, जिस वजह से उसका नाम हीमोसियोल भी रखा जाता है। ठीक है, उसको हीमोसियोल भी बोलते हैं।
अगर बात करते हैं इसकी फिफ्थ पॉइंट की, तो दे हैव अ जॉइंटेड लेग्स, जैसे कि हमने पढ़ा था इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल भी, मतलब कि इनके जो लेग्स होते हैं वो आपके जॉइंटेड होते हैं। अगर जॉइंटेड की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी का स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें क्या बात है, आपको जो लेग्स होंगे आपकी ये, अगर ये लेग्स इस तरीके से निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट लेग्स होंगे वो होंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आपके एक नहीं, यहाँ से आपके दो लेग्स होंगे, मतलब कि इसमें जो आपके लेग्स है निकलने वाली, ये जो आपके कह सकते हैं जॉइंटेड लेग्स में आए थे, ठीक है। डेट्स वाई हम इन एनिमल को क्यों बोलते हैं जॉइंटेड लेग्स, मतलब कि इनका जो ओरिजन है वो काफी दो लेग्स का है, तीन लेग्स का, वो आपका एक ही जगह होता है। अगर स्पाइडर की बात कर लेते हैं, तो स्पाइडर की शेप भी कुछ इस तरीके से आ जाती है निकल के हमारी, ठीक है। स्पाइडर की अगर बात करें तो स्टार्टिंग ही कुछ लेग्स ऐसे होती है, नीचे की लेग्स इस तरीके से होती है, तो स्पाइडर की भी लेग्स इस तरीके से आपकी आती है, ये एक तरीके से आपस में जुड़ी हुई, ठीक है। इसको हम क्यों किसी इनको जॉइंटेड एनिमल्स एंड लेग्स वाले एनिमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो लेग्स हैं वो आपस में जॉइंटेड रहती है, ठीक है, इस वजह से इनको जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा फिफ्थ पॉइंट की, दे हैव अ जॉइंटेड लेग्स। The word is arthropods means, अगर हम बात कर लेते हैं arthropods की, मतलब कि जो arthropod वाला जो word है वो एक्चुअल में क्या डिफाइन करता है, अगर सिंपल सा एक वर्ड में अगर बात करें, बोले arthropods, अगर कोई पूछे कि what is arthropods, तो आप उसमें मतलब किस तरह के एनिमल्स आते हैं, तो आप सीधा वर्ड कह दोगे द वर्ड arthropods means the jointed legs, मतलब कि arthropoda में सिंपल मीन्स हमें एकदम ध्यान रखना है, कि माइंड को एकदम शार्प रखना है, arthropoda means वो एनिमल जिनके लेग्स ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स, सीधा क्लियर, आर्थ्रोपोडा मींस जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल, सीधा सीधा वर्ड उसे डिफाइन करना। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल्स में हमारे क्या आते हैं, प्रॉन्स, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, कैटरपिड, सॉरी सेंटीपेड्स एंड क्रैब्स, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें, ठीक है। तो हमने इसे एग्जाम्पल्स, हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे इसके डायग्रामेटिक व्यू में ले रखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके का एनिमल किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात कर लेते हैं हमारा, जैसे प्रॉन्स की बात करी तो वो हमारा प्रॉन्स हो गया। अगर बटरफ्लाई की बात करें तो आप बटरफ्लाई को भी देख सकते हैं, बटरफ्लाई के साथ में उसका लेग और बॉडी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं हाउस फ्लाई की, तो आपको हाउस फ्लाई भी साफ दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने स्पाइडर भी देख सकते हैं और स्कॉर्पियंस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो हमने इसमें वीडियो में कवर करा वो था हमारा आर्थ्रोपोडा, तो हमने आर्थ्रोपोडा के पूरे फाइलम के जो मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। एक शॉर्ट रिवीजन इसको लास्ट बार में इसको रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर बात करें सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में, हमने सबसे पहले बात करी आर्थ्रोपोडा मीन्स द जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स, मतलब कि वो एनिमल जिनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं, ठीक। दूसरा, इस जो फाइलम में आपके किस तरह की, मतलब किस तरीके की मात्रा में हमारे एनिमल्स आते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स इंक्लूड दिस फाइलम, तो इस फाइलम में हमारे लार्ज ग्रुप में एनिमल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इनकी जो अगर सिमेट बॉडी की बात कर लें, तो देयर बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, साथ ही में सेगमेंटेड भी होती है, तो सेगमेंटेड वर्ड भी आपको क्लियर हो गया, और बायलैटरली सिमेट्रिकल भी। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, जिस वजह से इनका जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो इतना प्रॉपर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, सिलोमेट कैविटी प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ उसमें जो कैविटी है वो आपकी ब्लड से फिल्ड होती है, दैट्स व्हाई दैट कैविटी इज नोन एज हीमोसोल भी बोलते हैं, इस कैविटी को इसलिए हीमोसोल बोलते हैं। अगर लेग्स की बात कर लेते हैं तो लेग्स क्या जाते हैं आपके जॉइंटेड, और सीधा अगर वर्ड आता थोड़ा मीन्स जो हमने पढ़ा था उसका मीन्स सीधा सीधा आप कह ले सकते हैं द जॉइंटेड लेग्स, ठीक। एग्जाम्पल से बात कर लीजिए, प्रॉन, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, सेंटीपेड एंड क्रैब्स, कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे। तो गाइस, अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस लाइक को, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।